देखिए साहब, सब ग्रहों का खेल है और जो इंसान खुद को ग्रहों से ऊपर समझता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। कितने ही लोग मेरी भविष्यवाणियों पर शक करते थे, मुझ पर हंसते थे जब संतोष और जानकी को खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखते थे। लेकिन मंगल तो कभी संतोष के साथ था ही नहीं, और ऊपर से राहु 8वें घर में प्रवेश कर चुका था। शिव शंकर की तरफ फिर गया था ग्रहों का खेल। ये सब तो होना ही था, और दुख इस बात का है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। खैर, मुझे इस बात से क्या लेना देना, मैं तो सुबह से ही किसी 13वीं के कार्यक्रम में शहर से बाहर था। पुलिस वाले मुझे घसीट कर यहां ले आए। दुख तो इस बात का है कि एक ज्योतिष विद्या के ज्ञाता को यह सब झेलना पड़ रहा है।